नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय कुमार और आप देख रहे हैं बग फिक्स ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस लैब में बैठा हुआ हूं क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं Ncomputing के बारे में, यानी कि थिन क्लाइंट के बारे में। जी हां दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कैसे एक सीपीयू के जरिए हम 10 कंप्यूटर्स चला सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना, एक सीपीयू और मेरे कंप्यूटर होंगे 10, यानी कि 10 मॉनिटर जो कि अलग अलग आदमी ऑपरेट कर सकते हैं, 10 आदमी ऑपरेट कर सकते हैं ओनली एक सीपीयू से। तो बिना वक्त गवाए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। सो फ्रेंड्स, जिस लैब में मैं अभी बैठा हूँ ये फुल्ली थिन क्लाइंट बेस्ड है, यानी कि Ncomputing बेस्ड है। Ncomputing यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं एक ये कंपनी है जो कि ये सर्विस हम लोग को प्रोवाइड करती है कि हम एक सीपीयू के इस्तेमाल करके बहुत सारे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे मॉनिटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे उस कंप्यूटर को कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सारे यूज़र्स में, जैसे कि कुछ क्लाइंट्स में, जैसे कि मैं आपको अभी अपने लैब के ये दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मेरा 10 सिस्टम जिसमें कि बहुत सारे यूज़र्स बने हुए हैं। उसके बाद ओनली वन सीपीयू जिसमें कि आपको स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको Ncomputing, अगर मैं इसे हाईलाइट करूँ तो आपको Ncomputing दिख जाता है। ठीक है, बाकी इसके प्रोसेसर मैं आपको दिखा दूँ, ये ओनली i3 है और ये दो सिस्टम इधर भी है दोस्तों। तो ये सारे सिस्टम्स मैंने कनेक्ट किए हुए मात्र एक ही इस सीपीयू से। सो वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा, ये आप थोड़ा सा देखने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो चलिए मैं इस सीपीयू के बारे में आपको बता दूं। ये सीपीयू एक नॉर्मली सीपीयू है दोस्तों, इसे मैंने खोल के रखा हुआ है ताकि मैं आपको पहले ही दिखा दूं। सो चलिए सीपीयू की बात करें तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन उतना ही है, बस रैम थोड़ा ज़्यादा है, 4 GB ही ओनली रैम है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, बट आपको मिनिमम 3 GB चाहिए। और इसमें फ़ैन की बात करें तो 1, 2 और एक सीपीयू के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 फ़ैन का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें स्पेशल क्या है, जैसे कि 10 सीपीयू जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इसमें स्पेशल अगर आपको दिखेगा तो मदरबोर्ड आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर फ़ैन दिख रहा है, SMPS आपको हो जाएगा, ये SMPS हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको DVD ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, और आपको यहाँ पर आपका DVD ड्राइव है, यहाँ पर हार्ड ड्राइव है। बस आपको कुछ नया अगर दिख रहा हो तो ये स्लॉट आपको न्यू दिख रहा होगा, ये आपका जो स्लॉट है, आप अगर इसे देखें ध्यान से तो ये जो स्लॉट है आपका, ये PCI स्लॉट है। जी हाँ दोस्तों, ये PCI स्लॉट है और ये जिस पर कनेक्ट है आप देख सकते हैं, वहाँ पर इसके कुछ यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं और ये PCI का यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ASUS का यहाँ पर आपका इस्तेमाल हो रहा है, मदरबोर्ड मेरा ASUS का है। तो अब कनेक्ट कैसे हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए CPU को हम इधर लेते आते हैं ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, ये PCI केबल, ये PCI है हमारा, PCI बोर्ड है, और यहाँ पर 2 PCI बोर्ड का इस्तेमाल हुआ है। एक PCI बोर्ड में 5 कंप्यूटर्स और फिर से 5 कंप्यूटर। RJ45 केबल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि बस ये RJ45 केबल्स है जो कि नीचे से जाकर, जो कि हमारे नीचे से जाकर जो है ये सिर्फ मॉनिटर्स में कनेक्ट हुए हैं। ये तो पहला मेन कंप्यूटर हो गया हमारा जो CPU से डायरेक्ट कनेक्ट है इससे केबल के थ्रू, लेकिन उसके बाद जो हमारे मॉनिटर्स है दोस्तों, आप देख सकते हैं बस वो RJ45 केबल जो है वो यहाँ पर आकर लगा है वहाँ से, और इसमें एक माउस का एक यूज हो रहा है और PS2 पोर्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पर एक माउस का है, एक कीबोर्ड का है, और आप इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, पर ये इस मॉनिटर ये स्पेशल है जो कि एक्सपोर्ट का इस्तेमाल किया है, LG के स्पेशल मॉनिटर्स है जो कि सिर्फ Ncomputing रन करेंगे। सिर्फ नहीं, उसमें आपका वीडियो केबल भी है तो आप उसे सिंगल भी रन कर सकते हैं, पर ये स्पेशली Ncomputing रन करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कैसे हम एक सीपीयू के जरिए बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो सीपीयू था ये हमारा आया है रेडीमेड, यानी कि ये पहले से आपको मार्केट में बिक रहा था, पर आप अपने सीपीयू में कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं आपको कुछ लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि ये सर्वर्स आते हैं छोटे से, Ncomputing, HP, डेल वगैरह और IBM वगैरह ये बनाती है सर्वर्स, जैसे कि Ncomputing का एक छोटा सा सर्वर है आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर, उस सर्वर को आप बाय कीजिए, उसके बाद अपने CPU से कनेक्ट कीजिए और उससे आप दूसरे में RJ45 के थ्रू LAN केबल के थ्रू आप उसे दूसरी जगह इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरे मॉनिटर्स में लगाकर आप एक ही CPU से 2 कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें अलग प्रोसेस रन कर सकते हैं और इसमें अलग प्रोसेस रन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों में अलग अलग रन कर सकते हैं, बट इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 3 GB से ज़्यादा रैम चाहिए, प्रोसेसर डुअल कोर हो तो काफ़ी है, बट उससे ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, जिससे आपका सिस्टम हैंग नहीं करेगा। और आप इसमें आपका जो मेन सिस्टम होगा जो आपको डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होगा, आप उसको एडमिन बना लीजिए, आप एडमिन चाहे किसी को भी बना सकते हैं, पर उसे आप एडमिन बनाइए और उसके बाद आप बाकी में यूजर्स दे सकते हैं अलग अलग यूज़र। और एक कन्फ्यूजन में दूर कर दूं, अगर सेम यूज़र भी कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उसमें अलग अलग प्रोसेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है जिसके द्वारा आप एक CPU से 10 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। आपके पास अगर 2 कंप्यूटर में आपको 2 रूम में लगाना है तो आप Ncomputing का सर्वर खरीद लीजिए जो कि बहुत ही सस्ते में आता है, आप उसे अपने PCI स्लॉट के जरिए आप फिट कर लीजिए अपने CPU में, जैसा कि मैंने आपको CPU में दिखाया, स्पेशल ये होते हैं PCI स्लॉट लगाने के लिए मदरबोर्ड में,
तो इसके जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे बगफिक्सर ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन, और अगर आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन। थैंक यू दोस्तों।